तस्वीरों के माध्यम से आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि सुभाषपा पार्टी के जो कि ओम प्रकाश राजभर जी के दो नेता पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद ब्रजेश राजभर जी के परिजनों को जो है आश्वासन देते हुए कहा कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। इस वक्त मैं एमएस न्यूज पर स्वागत करता हूं। इस वक्त आप सभी देख रहे होंगे कि पीछे जो है शारदा नारायण हॉस्पिटल है और इस वक्त हम लोग जस्ट जो मेन गेट है शारदा नारायण का और जो हॉस्पिटल का है वहीं पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं। और हमारे साथ जो कि पिछले वीडियो में आप सभी ने देखे होंगे कि प्रवक्ता जो कि सुहलदेव पार्टी के सुभाषपा पार्टी के से हम बातचीत करेंगे क्योंकि सर जो है उन लोगों से मिल के आए हैं, उनके परिजनों से मिल के आए हैं और उनको उनके जो परिजनों का क्या कहना है और आखिर हमला क्यों किया गया। हाँ जी सर नमस्कार। तो उन पे जो हमला किया गया आखिर किस वजह से किया गया? वजह तो अभी जाहिर नहीं हो पाई है जी। और ब्रजेश राजभर से मिलकर मैं भी आया हूँ जी। हालत गंभीर है जी, ठीक है। और ये हमारे लिए एक दुखद घटना भी है जी। राजभर समाज के युवा के ऊपर ये जो जानलेवा हमला हुआ जी, और हमारे नेता जी भी मिलने आए थे, हम लोग यहाँ के प्रबंधक से मुलाकात हमारी हुई है जी। और हम लोग इनके स्लो उपचार के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है जी। और प्रभु से हम लोग कामना करेंगे कि जल्दी स्वस्थ हों जी। और जो भी अपराधी अभियुक्त हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसा कि सर आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि जैसा कि सभी लोग मिलने आए और ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वह भी मिलने आए और अनिल राजभर भी मिलने आए, तो महेंद्र राजभर भी जहां तक देखने को सुनने को भी मिला है कि वह भी यहां मिलने आए, तो सर उनका क्या रहा, सराहना रहा या फिर उनके परिजनों के क्या आदेश या निर्देश उन्होंने पहुंचाया जिसपे हमला हुआ उनके परिजनों? ब्रजेश राजभर नाम का जो बालक है जी, इसके ऊपर में जो चाकुओं से हमला हुआ था जी, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है और इस प्रकार की घटनाएं समाज में न हों इसलिए जो है प्रशासन भी जो है उसमें लगा हुआ है और समय आने पे जिस प्रकार का उन लोगों को दंड देना होगा ये प्रशासन जो है देगा। इस वक्त बालक की हालत क्या है, आप लोग देखने गए थे मिले हैं तो उसकी हालत? अभी बालक की हालत जो भी है बोलने में असमर्थ है जी, लेकिन उम्मीद हम लोग की यही है कि सदर हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं की जा रही जी, जी। सारा उपचार सही तरीके से किया जा रहा है और जल्द स्वस्थ हो जाएगी, इस चीज़ हम लोग कामना करेंगे। जो उस पर हमला हुआ या फिर हमला होने का कारण क्या था? देखिए अब जो भी कारण रहा हो इन लोगों का, अब उसके बारे में विस्तृत जो है जानकारी नहीं है कि किस कारण हुआ था जी, लेकिन जो भी हुआ ये निंदनीय कृत्य हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए और आगे से जो है प्रशासन को इसके लिए और चुस्त और मुस्तैद रहना होगा जी। इस प्रकार की घटना है, जिन्होंने सर जी सर जिन्होंने उन पे हमला किया क्या उन लोगों का कुछ अता पता है, क्या वो फरार चल रहे हैं या फिर उनके द्वारा जो है परिजनों का क्या कहना है? नेताजी के एसपी से बात भी हुई थी जी है, और अभी बिल्कुल वर्तमान में क्या स्थिति है, अपराधी गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए इसकी जानकारी हम लोग के पास अभी नहीं है जी। आधे घंटे के बाद हम नेता से दोबारा इस पर बात करेंगे जी, और हम लोग भी इस चीज़ की मांग करेंगे प्रशासन से कि इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये कृत्य दोबारा कोई भी किसी भी जनपद में पूरे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से कोई दोहराने का कार्य न करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि जिस वक्त जिस व्यक्ति पे, जिस बच्चे पे, जिस आदमी पे हमला हुआ है उसका परिजनों के साथ जो है इसी हॉस्पिटल में आप सभी दिखा दीजिए, जैसा कि पीछे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, शारदा नारायण के नाम से ये मऊ में काफी प्रसिद्ध है और इस वक्त वो परिजन और पीए के जितने भी थे जैसे बड़े से बड़े नेता, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि ये पीला रंग साफ पर मैंने बताया कि सुभाषपा पार्टी को दर्शाता है, प्रकाश राजभर जी भी यहाँ मिलने आए थे, महेंद्र राजभर जी भी मिलने आए थे, अनिल राजभर जी भी मिलने आए थे और उनके साथ साथ जितने भी सुभाषपा पार्टी के कार्यकर्ता है सभी लोग उस परिजनों से बात किए, उनके परिजनों से बात किए और उस बच्चे की इस तरह हालत क्या है और सभी लोग जैसा कि आप सभी को मिला ही होगा और एमएस न्यूज पे आप सभी बने रहिए, अगली वीडियोस में आप सभी को दिखाऊंगा कि उस बच्चे की हालत क्या है, किस प्रकार से उसका परिजनों का पालन पोषण हो रहा है और जिसने उन पे हमला किया है उनका क्या कहना है और वो लोग क्या कहते हैं, मैं उनका भी बयान आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाने की, सुनाने की या फिर दर्शाने की कोशिश करूंगा। मैं साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। एमएस न्यूज पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जय हिंद।